तो वहीं साय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस पर अरुण साव डिप्टी सीएम का क्या कहना है, सुनिए। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष दी गई 5 वर्ष की छूट अवधि को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2028 तक अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाए जाने और एवं अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट को पूर्ववत 45 वर्ष यथावत निर्धारित है। यह छूट गृह विभाग के लिए लागू नहीं होगी पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक वर्ग की भर्ती के लिए 2018 में 2,259 रिक्त पदों के भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इसके उपरांत 5 वर्ष बाद 4/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि महिला अभ्यर्थियों को पूर्व से ही अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिली हुई है। मंत्रिपरिषद ने एक दूसरा बड़ा जो निर्णय आज लिया है जिसके द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की वापसी लिए जाने के लिए समीक्षा कर अपनी अनुशंसा करने हेतु मंत्रिपरिषद की एक उप समिति गृह मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया। ये दो निर्णय आज के कैबिनेट में हुए हैं। सर, ये महाकाली मंदिर योजना ने कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और महिलाओं काफी इंतजार में थी, इसको लेकर भी बातचीत हुई है क्या बैठक में? मैंने जैसे कहा कि मोदी जी की गारंटी के एक एक वायदे पूरे होंगे और भतारी वंदन योजना की तैयारी हमारी चल रही है और शीघ्र ही इस विषय पर निर्णय कर घोषित करेंगे। ये प्रभु श्री राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में उत्साह है, यहाँ पे बहुत सारी बस्तियाँ कालोनी हर जगह पे आयोजन होने वाले हैं, कुछ अपील भी करेंगे और किस तरह की रूपरेखा रहेगी सरकार की इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए छत्तीसगढ़? देखिए, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और इसलिए छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति अपने अपने तरफ से 22 जनवरी के उत्सव को ध्यान में रखकर अलग अलग योजनाएं बनाकर काम कर रही है। हमारी सरकार ने भी अनेक निर्णय लिए हैं। आज ही नगरी प्रशासन विभाग की बैठक थी, हमने सभी मंदिरों में स्वच्छता और शहर की भी स्वच्छता का निर्णय हमने किया है। इसी तरह की अनेक योजनाएं सरकार की है जिस पर काम कर रहे हैं। मैंने अपने विभाग के पहले ही प्रारंभिक जो बैठक हुई थी उसमें भी ये निर्देश किया था और कल जब समीक्षा बैठक ली तब भी इस विषय पे मैंने बातचीत की है और तेजी से खराब सड़कों में जो सड़क में गड्ढे हैं उनको भरने का काम तेजी से चल रहा है और जनवरी अंत तक संभवतः सभी सड़कों के गड्ढे भर लिए जाएंगे। आज नगरीय निकायों के लिए एक बड़ी राशि सरकार ने जारी करने का निर्णय किया है, 215 करोड़, ताकि नगरीय निकाय अपने विकास के काम को आगे बढ़ा सके और स्वच्छता से लेकर विकास के जो काम है उन सब की प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कहा है कि निगम की
टीम सवेरे शहर। सरकारी नौकरी में 5 साल की छूट और तमाम ऐसे फैसले हैं जो लिए गए हैं कैबिनेट में, जिस पर जानकारी साझा कर रहे थे डिप्टी सीएम अरुण साव। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नए डीजीपी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गृह मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों में पदस्थ रहे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस स्वागत दास का नाम सामने आ रहा है। स्वागत दास छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस हैं, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा के पद पर रहे हैं। स्वागत दास रायपुर भी पहुंचे हैं, डीजीपी के लिए उनका नाम भी रेस में आगे है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धान के मुद्दे पर सियासत गर्म है। दरअसल इस बार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है और अब कांग्रेस श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है और अब इस पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। धान खरीदी पर श्रेय लेने की होड़ तब शुरू हुई जब सीएम विष्णुदेव साय ने धान खरीदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है और अब समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सीएम के इस बयान पर अमरजीत भगत ने खुशी जताई। साथ ही उन्होंने कहा ये पिछली कांग्रेस की सरकार की तैयारियों का नतीजा है जो इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, इस सरकार को उसका लाभ मिल रहा है। हमारे सरकार के समय की तैयारी थी, हम लोग सभी तैयारियां कर चुके थे, समीक्षा कर चुके थे, किसानों का पंजीयन, कितने धान खरीदी होंगे, क्या क्या उसमें जरूरत पड़ेगी, धान खरीदी केंद्र से लेकर के और उसके परिवहन और कस्टम मिलिंग तक की सब हम लोगों ने तैयारी कर दी थी। सरकार को कुछ करना नहीं पड़ा और आज यह जानकर के बहुत खुशी हुई कि हमारा जो रिकॉर्ड था उससे भी 108 लाख मीट्रिक टन का जो रिकॉर्ड था उसको क्रॉस हुए। अमरजीत भगत के धान खरीदी को लेकर किए दावे पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किस धान खरीदी का श्रेय कांग्रेस लेना चाहती है जिसे रमन सिंह की सरकार में शुरू किया गया था। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। हम एक एक किसान का धान खरीदेंगे 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी हम कर रहे हैं, 900 रुपए के अंतर राशि एक मुश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। धान खरीदी का एक्चुअली मामला माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार हम बोए थे बोल रहे हैं, क्या बोए थे? कांग्रेस सरकार ने क्या किया है 5 साल में? भ्रष्टाचार तो किया है। और अभी हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 3100 रुपये में धान खरीदेंगे और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है किसानों का ज़्यादा उत्पादन होता है और किसान पूरे धान को अपने बेच रहे हैं तो उसमें अपना जो लक्ष्य था उस लक्ष्य से भी पार हो रहा है। अभी 15 दिन खरीदी का समय और बाकी है और जितने किसान के पास धान है वो सारी धान खरीदी होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर किसी किसान समय पर धान नहीं बेच पाएंगे और बाकी रह जाएंगे तो समय को भी हम बढ़ा देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान और किसान बड़ा मुद्दा है, यही कारण है कि अब रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी पर श्रेय लेने की होड़ मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां तहसील कार्यालय में पहुंचे एक बंदर ने जमकर उत्पात मचाया। तहसील कार्यालय में बंदर किसी के सिर पर चढ़ा तो किसी के कंधे पर बैठ गया। बंदर की इस करामात से तहसील कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। ये देखिए तस्वीर, बंदर की एंट्री के बाद अफरा तफरी का माहौल, किसी के सिर पर तो किसी के कंधे पर बंदर चढ़कर बैठ गया।